उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद में भाजपा उम्मीदवार अरुण कुमार सागर ने बंडा विकास खंड क्षेत्र में की जनसभा तथा लोगों को संबोधित किया, लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया और कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर अनेक विकास कार्य कराने का वादा किया। इस मौके पर पुवाया विधानसभा के क्षेत्रीय विधायक चेतराम पासवान तथा अन्य कार्यकर्ता जनसभा में उपस्थित रहे। सम्मानित साथियों, मैं आप लोगों का आशीर्वाद लेने आया हूं, अनुरोध करने आया हूं कि अपने भाई को अपने क्षेत्र से आशीर्वाद देकर भेजिए। सम्मानित साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वक्त बहुत कम है, केवल मुझे चुनाव में जिस दिन से मेरी घोषणा हुई नाम की, केवल 37 दिन चुनाव लड़ने को मिले हैं। उन 37 दिन में आप लोग खुद ही समझदार हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्हीं 37 दिन में 2424 बूथ है पूरी लोकसभा क्षेत्र। तो सम्मानित साथियों, संभव नहीं है कि हम हर बूथ पर पहुंच जाएं, हर गांव में पहुंचे, लेकिन लगातार मेरा प्रयास है, चाहे मुझे 20 घंटा चलने पड़े, 18 घंटा चलना पड़े, रात दिन चलना पड़े। कल मैं 12 कलाम से और आगे है, वहाँ माननीय हमारे वरिष्ठ मंत्री माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी हम लोग साथ में कल रात 3 बजे आए। हम सुबह 5 बजे उठ के हम बुला लेते सुबह अपने भाइयों को, जो मुलाकात करना चाहते हैं। तो घर पे हमारा साउथ सिटी में मकान है जलालाबाद रोड पे, तो वहाँ पर भी कुछ लोग आ जाते हैं सुबह को, तो 200 लोग उनसे भी मिलते हैं। उसके बाद मेरा 8:30 बजे इधर प्रोग्राम था कार्यालय पे, इसलिए थोड़ा यार लेट आ पाया।